कहानी शुरू होती है मुंबासा केन्या से, जहाँ रे गैरिसन एक एनिमी बेस को अटैक करने जा रहा होता है। ब्रीच का ऑर्डर ना मिलने के बावजूद वे अटैक कर देता है और सभी टेररिस्ट को मार गिराता है। आखिरी रूम में उसे एक होस्टेज सिचुएशन देखने को मिलती है। टू द लिसनर्स, इस रूम को ध्यान में रखिएगा। नेगोशिएशंस करते वक्त रे होस्टेज टेकर की अटेंशन एक सेकंड के लिए दूर करने में कामयाब हो जाता है और दूसरे सेकंड में तो उसे मार गिराता है। इसी बीच उसे खुद भी गोली लग जाती है, बट वो मरता नहीं है। भाई बंदा बहुत टफ है। बैक टू द एयरबेस इन इटली, वहाँ रे अपनी वाइफ को मिलता है एंड द वेरी नेक्स्ट डे कुछ लोग उसके घर पर अटैक कर देते हैं। तो दो बंदों को निपटाने के बाद वो बाहर निकल ही रहा होता है कि वो एक बाई स्टैंडर से जाके टकरा जाता है। उसके बाद वो बेहोशी की हालत में आ जाता है और पूरी तरह बेहोश होने से पहले वो देखता है कि उसी सिविलियन ने उसे वो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को सेम हॉस्टेज सिचुएशन में पाता है, बट अब की बार वो खुद हॉस्टेज है। उसके सामने वही आदमी खड़ा होता है जिसने कि उसे बेहोश किया था। He seems psycho at first. वो अपने आप को मार्टिन एक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और रे से डिमांड करता है कि उसे मुंबासा के बेस के बारे में कैसे पता चला। कोई जवाब ना देने पर वो मार्टिन उसकी वाइफ को मारने की धमकी देता है। इस धमकी से रे घबरा जाता है और कहता है उसे नहीं पता इस मिशन के बारे में, दे जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। बट मार्टिन उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करता और उसकी वाइफ को बहरेनी से मार डालता है। रे गैरिसन वॉज डैम फ्यूरियस दिस टाइम। वो मार्टिन से कहता है किल मी राइट नाउ, मुझे अभी मार डालो, नहीं तो तुम्हें मैं कहीं से भी ढूंढ के मार डालूंगा। मार्टिन वॉज इंडीड अ साइको, वो उसे सिर में गोली मारता है। वेल बहुत अच्छी मूवी थी गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रे की आंख खुलती है एक मिस्टीरियस लेबोरेटरी में एंड समहाउ वो मरा नहीं है। वो फिर स्टाफ से एक्सप्लेनेशन मांगता है। वहाँ उसे डॉक्टर एमिल हार्टिंग नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है, उसकी एक असिस्टेंट भी होती है केटी नाम से। डॉक्टर हार्टिंग बताते हैं कि वो अभी RST यानी राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी में है। वो बताते हैं कि तुम मर चुके हो और तुम्हारी बॉडी को US मिलिट्री ने RST को डोनेट किया था। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि रे को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता, बट वो कहता है कोई ना कोई मेरा घर पे इंतजार कर ही रहा होगा। केटी बताती है कि जिनकी बॉडी किसी फैमिली ने क्लेम नहीं की होती है सिर्फ उसी को US मिलिट्री डोनेट करती है। डॉक्टर उसे कहते हैं यू शुड बी थैंकफुल, तुम्हें लाइफ में दोबारा जीने का मौका मिला है और तुम इकलौते हो जो कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर पाए हो। डॉक्टर बताते हैं कि वे लोग इस फैसिलिटी में एडवांस सोल्जर्स तैयार करते हैं लाइक एक्सोस्केलेटन, न्यूरल प्रोस्थेटिक्स, नैनाइट्स, ताकि सोल्जर्स ताकतवर और फुर्तीले बन सके। वी कैन से दैट दे बेसिकली वर्क इन ह्यूमन एडवांसमेंट सेगमेंट। रे को उसके पावर्स के बारे में समझाने के लिए वो रे के हाथ पर चाकू से वार करता है और कुछ ही देर में उसका हाथ हील हो जाता है। सुपर हीलिंग और सुपर स्ट्रेंथ, बेसिकली यही दो चीज रे की सुपर पावर्स होती है और ये सब पॉसिबल हो पाता है नैनाइट्स की वजह से। एक्चुअली नैनाइट्स आर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंटिटीज जो कि रे की बॉडी में ब्लड का काम करती है। रे उनसे अपने पास्ट के बारे में पूछता है। इस बार डॉक्टर का जवाब रहता है अब तुम्हारे पास्ट के मायने नहीं रखे, फ्यूचर के बारे में सोचो। आगे उसे एनहांस सुपर ह्यूमन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रे को अभी भी ये सब कुछ एक सपना ही लगता है और उसके लिए इन सब पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। रे को अपनी वाइफ के मरने का सपना आता है और वो जिम जाता है और अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। वहाँ वो केटी को अंडर वाटर ट्रेनिंग करते देखता है और दोनों गहरे में उतर कर बातें करने लगते हैं। रे जैसे ही स्पीकर पर म्यूजिक सुनता है उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब तोड़ना शुरू कर देता है। अब उसे सब कुछ याद हो चुका होता है कि कैसे मार्टिन एक्स ने उसे और उसकी वाइफ को बहरेमी से मारा था। याददाश्त वापस आते ही भाई रे तो पूरा पगला जाता है और फिर निकल पड़ता है अपनी डेड वाइफ का बदला लेने। अपेरेंटली रे की बॉडी में एम्बेडेड नैनाइट्स एक तरीके से एडवांस नैनो रोबोट्स ही होते हैं जिनमें गूगल सर्चिंग की कैपेबिलिटी भी होती है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस रे को बस कुछ मिनट ही लगते हैं ये पता लगाने में कि मार्टिन एक्स कहाँ है। ऑल्सो नैनाइट्स की मदद से वो कोई भी चीज आसानी से सीख सकता है। इसी फैक्ट का फायदा उठाते हुए रे एक फाइटर जेट के ट्रेनिंग मैनुअल को पूरी तरह से ग्रास्प कर लेता है और बस कुछ ही देर में जेट चलाना भी सीख लेता है। सो बाय एयर वो मार्टिन एक्स की लोकेशन बुडापेस्ट हंगरी पहुंच जाता है। उधर मार्टिन काफी डरा हुआ होता है और उसके साथ बहुत सिक्योरिटी भी होती है। इट सीम्स लाइक उसे पहले से पता था कि उस पर अटैक होने वाला है, तो जैसे कि अंदेशा था रे उस पर टनल में अटैक कर देता है। रे इस समय अपनी पावर्स का उपयोग बखूबी करना सीख गया होता है, कोई भी गोले बारूद अब उसे रोक नहीं सकते थे। ही हैज गॉड डैम सुपर पावर्स। वो मेन कार का इंजन खराब कर देता है और एक एक करके सबको मार डालता है। एक चीज नोटिस करने वाली होती है, फॉर सम रीजन प्रेजेंट मार्टिन एक्स और पास्ट वाला मार्टिन एक्स की पर्सनालिटी में काफी डिफरेंस होता है। कहां पास्ट वाला मार्टिन एक्स एक रूथलेस और फियरलेस गाय था,
वही प्रेजेंट मार्टिन एक्स भोला भाला और डरा हुआ लग रहा था। एनीवे रितु इस समय रिवेंज मोड में था, वो उसे मारने में बिल्कुल देरी नहीं करता है, जबकि मरते वक्त मार्टिन उसे कहता है कि तुम गलत इंसान को मार रहे हो। सो इतनी मैसिव तबाही मचाने के बाद रे वापस से फैसिलिटी में आ जाता है। वापस लैब में डाल्टन उसे काइंड ऑफ पैरालाइज कर देते हैं और बताते हैं कि उसकी वाइफ मर गई है, ऐसा वो हर बार सोचता है, विच इम्प्लाइज कि ये सब पहले भी हो रखा है। एक्चुअली ये सब कुछ एक माया जाल होता है। मार्टिन एक्चुअल में टेररिस्ट होता ही नहीं है और ना ही कभी उसकी वाइफ का मर्डर हुआ होता है। रियलिटी तो ये होती है कि इस फैसिलिटी में पूरा स्टाफ मिला हुआ है और डॉक्टर एमिल हार्टिंग इस ग्रुप के बॉस हैं। रे को डॉक्टर अपने फायदे के लिए काफी टाइम से यूज करते आ रहे होते हैं। वे लोग नैनाइट्स के जरिए उसके ब्रेन सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डॉक्टर उसे कंट्रोल करते हैं, उसे नया टारगेट देते हैं और जब रे टारगेट को मार देता है तब वो उसकी सारी मेमोरी को रीसेट कर देते हैं और पूरी साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती है। एरिक नाम का एक टैग गाय उसकी मेमोरी को मैनिपुलेट करता है और नई चीज़ें ऐड करता है। वो ये प्रोसेस रे के साथ बहुत बार कर चुका होता है, जिसमें शुरू से लेकर उसकी वाइफ के मरने वाली मेमोरी को वे लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं और अपने टारगेट को उसकी वाइफ किलर के शक्ल में पेस्ट कर देते हैं, ताकि मेमोरी रीसेट होने के बाद रे हर बार अपना रिवेंज लेने किलर को मार सके, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। वेल, दैट नीट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हियर। ये सब बताने के बाद डाल्टन रे की मेमोरी फिर से इरेज कर देता है। हर बार एक यही चीज देखकर केटी इस पूरी स्क्रिप्ट से तंग आ चुकी होती है और डिमांड करती है कि रे को सब कुछ सच बताया जाए, बट डॉक्टर एमिल नहीं मानते। वो दोबारा साइकिल शुरू करते हैं, जिसमें रे फिर से एक नई मेमोरी के साथ जागता है। उसे एक्सप्लेनेशन दी जाती है, केटी उसके साथ फिर से गहराई में बातें करती है, उसे अपनी वाइफ के मरने की मेमोरी वापस याद आती है और वो दोबारा किलर को मारने निकल जाता है। बस इस बार किलर निक बैरिस होता है। पता चलता है रे गैरिसन इस प्रोसेस को ऑलरेडी 5 बार कर चुका है। निक बैरिस को ट्रैक करने के बाद रे उसके लोकेशन जा पहुंचता है। गार्ड्स उसे पूछताछ करते हैं और इसी प्रोसेस में उसे गोली भी मार देते हैं। रे फिर मरने की एक्टिंग करता है ताकि वो निक बैरिस के क्लोज इनफ पहुंच सके। उसी पैलेस में टैग गाय मौजूद होता है, जिसे कि निक बैरिस ने अपनी सेफ्टी को एनहांस करने के लिए हायर किया था। इस बंदे का नाम विगन्स होता है। Apparently, RSI के टैग गाय एरिक ने पूरा प्रोग्राम में जिस कोडिंग का यूज किया था, एक्चुअल में उस कोडिंग को विगन्स ने क्रिएट किया था। सो कह सकते हैं विगन्स वॉज जस्ट नॉट अ नॉर्मल टैग गाय, ही इज द रियल थिंग। वेल, डॉक्टर एमिल और RST एम्प्लॉय सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू सारी हैपनिंग लाइव देख रहे होते हैं। वे लोग देखते हैं कि विगन्स के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वो निक बैरिस को दिखा रहा होता है। डॉक्टर अपने टैग गाय एरिक को कहते हैं पता लगा उस बॉक्स में क्या है, एंड ही केम टू नो कि वो एक EMP डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये बात सुनते ही डॉक्टर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि EMP एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्टिवेट होने पे आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फॉर अ वाइल बंद कर देता है। क्योंकि रे की बॉडी में जो नैनाइट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होते हैं, इसलिए उसे भी EMP का खतरा होता है। बट इससे पहले कि निक बैरिस EMP एक्टिवेट कर पाता, रे मार डालता है उसे। बट पता चलता है कि वीगन्स के पास भी एक कंट्रोलर है और वो EMP एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आसपास की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शटडाउन हो जाती है, इंक्लूडिंग नैनाइट्स। EMP एक्टिवेट होने के बाद RSI का कॉन्टैक्ट भी रे से टूट जाता है और रे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वीगन्स रे को इलेक्ट्रिक शॉक दे के उठाता है। इससे पहले कि रे उसकी वाट लगाता, वीगन्स उसे समझाता है कि उसने उसकी जान बचाई है। रे अपनी डिस्टॉर्टेड मेमोरी की कुछ यादें वीगन्स के साथ शेयर करता है, जैसे कि उसकी वाइफ को हर बार कोई नया बंदा मारता है। वीगन्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब की तह तक जाने में। वो रे को बताता है कि अभी न्यूज़ आ रही है कि कोई किलर RST के डिफॉल्टर एम्प्लॉयज को मार रहा है, और जिस तरीके से मार रहा है उसे देखकर लगता है कि मामला पर्सनल वेंडेटा का है। अब रे को सारा माजरा समझ आ गया होता है कि उसे RST मैनिपुलेट कर रही थी। रे वीगन्स को नैनाइट्स का सैंपल देता है और उन्हें रिवर्स इंजीनियर करने को कहता है, ताकि कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे कभी फ्यूचर में RST उसे कंट्रोल ना कर पाए। वीगन्स रे को ट्रैक ना होने का तरीका बताता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ जीना को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर डॉक्टर डाल्टन और टिप्स को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। उधर रे जीना को लंदन में ट्रैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि वो तो शादी कर चुकी है, अब उसकी एक बच्ची भी है। और पता चलता है कि लास्ट टाइम जीना उसे 5 साल पहले मिली थी। इसका मतलब है कि 5 साल से RST रे से असैसिनेशन करवा रहे थे। फिर रे वहां से चला जाता है और तभी उस पर अटैक हो जाता है। डाल्टन के पास एक मॉडिफाइड राइफल होती है जो कि रे को चोट पहुंचा सकती थी। फिर एक मस्ट चेस सीक्वेंस के बाद डाल्टन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके प्रोस्थेटिक लेग्स टूट जाते हैं, पर टिप्स रे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उधर RST में डॉक्टर एमिल केटी को वाइगन्स को मारने का ऑर्डर देता है। केटी उसका ऑर्डर को डिनाई करके वहां से जाने लगती है। तभी डॉक्टर एमिल उसकी सांस लेने वाले एनहांसमेंट बंद कर देता है और केटी को वार्निंग देते हैं,
चुपचाप ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो सेकंड चांस नहीं मिलेगा। बट डॉक्टर एमएल केटी को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। केटी के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। वो वीगन्स के बॉडीगार्ड को पीट देती है, वीगन्स को किडनैप कर लेती है। फिर केटी डॉक्टर एमएल को बताती है कि वीगन्स भाग निकला। अब डॉक्टर पास दूसरा और कोई चांस नहीं बचता। वो एरिक को कहते हैं स्टार्ट द प्रोग्राम, मतलब कि वही मेमोरी रीसेटिंग वाला प्रोग्राम जिसमें रे की मेमोरी में उसके वाइफ मर्डर का चेहरा रिप्लेस कर दिया जाता है। बट इस बार टारगेट वीगन्स होता है। एरिक सिमुलेशन स्टार्ट कर देता है। बट हियर कम्स अ सरप्राइज, वीगन्स फैसिलिटी के बेसमेंट में ही मौजूद होता है और उसने इनके सिस्टम को हैक कर लिया होता है। उसके बाद जिस सिमुलेशन में रे की मेमोरी रीसेट की जा रही होती है उसी सिमुलेशन में केटी जा पहुंचती है। इट वॉज ऑल केटीज प्लान ऑल अलोंग। केटी ने सिमुलेशन इंटरप्शन करके रे को सब बता दिया होता है, यानी कि अब जब रे उठेगा तब उसके पास रियल मेमोरीज होगी और उसका मोटिव भी अलग होगा। अभी फिलहाल एरिक को लगता है कि उसकी सिमुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसलिए वो रे को जगा देता है। और रे की जैसी ही आंखें खुलती है उसकी आंखों में एक अलग ही एंगर होता है। रे के लुक को देख के एरिक खुद से कहता है अब तो कोई नहीं बचेगा। मीनवाइल टिप्स और डाल्टन खुद के एनहांस गियर पहन रहे होते हैं। तो गाइज अब तगड़ी वीएफएक्स फाइट शुरू होने वाली है। उन दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई होती है और वो दोनों इसी बीच बिल्डिंग से गिरने लगते हैं। टिप्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब 2 vs 1 की सिचुएशन होती है। काफी अच्छी सीजीआई और वीएफएक्स के बाद टिप्स बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। रे डाल्टन के मेटेलिक हाथ पांव तोड़ देता है और फिर एक पावरफुल पंच के साथ उसे भी फिनिश कर देता है। सो गाइस दिस वाज रियली अ ग्रेट फाइटिंग सीक्वेंस, आई एंजॉयड वाचिंग। डॉक्टर एमिल भागने का ट्राई करता है, रे उसे रोक लेता है। रे की कंडीशन अभी क्रिटिकल होती है क्योंकि नैनाइट्स के पास पावर बहुत कम बची होती है। डॉक्टर एमिल उस पर बॉम्ब लॉन्चर से अटैक करता है एंड ही प्रिज्यूम दैट रे विल बी डेड। रे सारी चोट झेल लेता है और फिर डॉक्टर एमिल को भी ऊपर पहुंचा देता है। फिर उसके बाद रे सॉर्ट ऑफ नियर डेथ सिचुएशन में पहुंच जाता है। समहाउ रे सर्वाइव थैंक्स टू नैनाइट्स। वीगन्स बताता है कि अब उसे नैनाइट्स की पावर कम होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसने कुछ चेंजेस किए हैं। केटी रे से इन सब के लिए अपोलोजाइज करती है। मूवी स्लोली एंड्स हियर। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको साइंस फिक्शन या फिर माइंड बेंडिंग मूवीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी मूवी फाइल बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज़।